सभी ने पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। डी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, आर स्टैंड्स फॉर रेट, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, डिवाइड बाय 100 क्यों किया हमने? Because जो रेट है वो परसेंटेज में होती है। जैसे रेट लिखा होगा 6%, तो हम आर की जगह क्या लिखेंगे? 6, और वो परसेंटेज के कारण डिवाइड 100 आ जाएगा। दिस इज कहां काम आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहां काम आता है? आप बैंक में जाते हो, बैंक में मनी डिपॉजिट करते हो, जो मनी आपने डिपॉजिट करी वो क्या है? प्रिंसिपल। जब बैंक में आप मनी डिपॉजिट करोगे तो आपको बैंक एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा। जैसे सपोज करें 4% रेट है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मीनिंग क्या है? यदि आप 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करें 1 ईयर तक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है, 4% वार्षिक है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप बैंक में 100 रुपये जमा करते हैं तो 1 साल के बाद आपको 4 रुपये ब्याज मिलेगा। 100 रुपीज डिपॉजिट करेंगे तो 4 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात है। और पर एनम का मतलब है वार्षिक। जरूरी नहीं होता पर एनम हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लें, पर मंथ भी ले सकते हैं, पर क्वार्टर भी ले सकते हैं, पर हाफ ईयर भी ले सकते हैं। यदि मैं पर मंथ की बात करें, यदि मैं कहता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर एनम है, पर मंथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ है, इसका मीनिंग हुआ कि 100 रुपये हम बैंक में जमा करें तो 1 महीने के बाद हमें 1 रुपया ब्याज मिलेगा। 1% का मतलब 100 रुपीज पर 1 रुपया ब्याज। पर मंथ कहा तो 1 महीने के बाद, पर ईयर कहा तो 1 साल के बाद।